Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss a very important theorem which is based on the Laplace transform, that is a Laplace transform of Laplace transform. So let's start the video. So this is the theorem, Laplace transform of the Laplace transform. So हमारा theorem कुछ ऐसा है कि हम Laplace transform का Laplace transform लेंगे कुछ इस तरह से, that is Laplace transform of f t equal to 0 to infinite f t upon t plus u dt, ठीक है? तो ये हम वहीं से शुरू करेंगे जो हमारा definition है, basic definition. तो Laplace of f t क्या होता है? By definition 0 to infinite e to the power minus s t and then f t dt, ठीक है? ये हमारा बेसिक डिफिनीशन है. तो स्टार्टिंग्स के वीडियो से सारा कुछ रिलेटेड चीज़ें रहेंगी, तो आपको पता होना चाहिए सारे लेक्चर्स के बारे में, और ये करीब 11 या 12 लेक्चर होगा. अब इसका अगर हम दोबारा लाप्लास लेंगे, लाप्लास ऑफ टी, एफ ऑफ टी, इसको हम उसी तरीके से ब्रेक करेंगे, इस पूरे टर्म को एफ टी जैसा समझेंगे. जैसे यहाँ पे लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी था, तो इसको हमने ई पावर माइनस एस टी लिखा, और एफ टी यानी जो फंक्शन यहाँ पे होता है वही फंक्शन हम यहाँ यूज करते हैं. यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे इस पूरे को उसी के जैसा समझेंगे, यानी हमारा ये पूरा टर्म यहाँ पे है, ठीक है? ये एक तरह से किस तरीके का हो गया लाप्लास, और ये पूरा टर्म हम यहाँ अगर लिख दें तो 0 टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी और डी टी. तो हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ यह लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का मान यहाँ से पुट कर दिया, ठीक है? यहाँ लिख सकते हैं वी नो दैट, या वी हैव बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सो दिस वन. तो अब यहाँ पे अगर हम लाप्लास लगाएंगे तो फिर से हम उसी तरीके से कोई एक फंक्शन मानेंगे, सो 0 टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस, यहाँ पे हम t की जगह कुछ और ले लेते हैं क्योंकि यहाँ एफ टी का है, तो यहाँ पे हम क्या मानते हैं, कुछ अलग ले लेते हैं, जैसे एस यू ले लेते हैं, एस यू, एंड देन ये पूरा फंक्शन आएगा जैसे यहाँ माइनस एस टी इंटू एफ टी, ये वाला. उसी तरीके से यहाँ पे e माइनस एस यू, t के प्लेस पे u, उसके बाद ये पूरा फंक्शन मीन्स 0 टू इन्फाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी. तो एक तरह से ये हमारा पूरा एफ टी हो गया, जैसे यहाँ पे होता है, जो यहाँ होता है वही हम यहाँ लिखते हैं एफ टी, उसी तरीके से यहाँ जो इंटीग्रेशन था वो पूरा यहाँ एफ टी जैसा आ गया. और चूँकि हमने यहाँ पे यू ले रखा है, टी की जगह पे यू है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसकी जो इंटीग्रेशन चल रहा है इसके लिए हम डी यू लिखेंगे, ठीक है? तो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों जगह एस है, तो हम चाहें तो एफ टी डी टी को अलग कर लें और इसको हम इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दें. तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 0 टू इन्फाइनाइट एफ टी डी टी, और इसको एक साथ लिख लें, ई टू द पावर माइनस एस कॉमन हो जाएगा, टी प्लस यू एंड डी यू, ठीक है? हमने सिर्फ एफ टी डी टी को इस इंटीग्रेशन के साथ कर लिया, और ई टू द पावर माइनस एस यू और ई टू द पावर माइनस एस टी को हम लिखे हैं ई टू द पावर माइनस एस टी प्लस यू और ये डी यू. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पार्ट का इंटीग्रेशन कर देंगे, जो ये वाला पार्ट दिख रहा है इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे. तो ई टू द पावर माइनस एस का इंटीग्रेशन होता है एस टी का, ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन, यही टर्म नीचे आता है, ठीक है? तो इसका इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा, 0 टू इन्फाइनाइट एफ ऑफ टी डी टी, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको मिलेगा ई टू द पावर माइनस एस टी प्लस यू अपॉन एस टी एंड यू टी. यहाँ पे हमने एस को कॉमन लिया था, तो यहाँ पे डी एस लिखना होगा, सो दिस इज डी एस, ठीक है? टी एन डी टी, सो यहाँ पे एस यू, सो एस
एस टी, ठीक है। सो ये आएगा हमारा टी प्लस यू, टी प्लस यू। तो अब हम लिमिट रखेंगे यहाँ पे 0 टू इनफाइनाइट, किसके प्लेस पे, एस के प्लेस पे। जब हम एस के प्लेस पे वैल्यू रखेंगे, इसका लिमिट रखेंगे, जब यहाँ ऊपर रखेंगे e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, और e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होगा, 0 हो जाएगा, e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट 0, ठीक है। तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट 0, और जब 0 रखेंगे तो e टू द पावर माइनस या 0 वो 1 ही होगा, तो एक तरह से हमें मिलेगा 1 अपॉन t प्लस यू, सिंपली हमें मिलेगा 1 अपॉन t प्लस यू। तो फाइनली हमें मिल गया 0 टू इनफाइनाइट एफ टी, और इसके अपॉन में ये आ जाएगा t प्लस यू यहाँ पे डी टी, ठीक है। तो यही तो हमें लाना था, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एफ टी अपॉन टी प्लस यू डी टी। सो दिस प्रूव्स द थ्योरम। सो इसे हम आसानी से यूज कर सकते हैं, अगर हमें कहीं लाप्लास वाले फंक्शन का लाप्लास लेना हो तो हम चाहें तो डायरेक्ट इसके एफ टी को यहाँ पुट करके जो भी यहाँ एफ टी में होगा और अपॉन टी प्लस यू डी टी 0 टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन करके डायरेक्ट हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो कहीं भी इसमें दिक्कत हो तो फिर आप कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये है एक प्रॉब्लम। सो दैट पहला क्वेश्चन है, लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी इंटू कॉस ए टी इक्वल टू ए पी स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर अपॉन पी पावर 4 प्लस 4 ए टू द पावर 4। और उसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन है, लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी इंटू साइन ए टी इक्वल टू 2 ए स्क्वायर पी अपॉन पी पावर 4 प्लस 4 ए टू द पावर 4। तो यहाँ पे लाप्लास है साइन हाइपरबोलिक ए टी कॉस ए टी, और यहाँ है साइन हाइपरबोलिक ए टी और साइन ए टी। तो ये कुछ इस तरीके से हम करेंगे इसको, जैसे हम जानते हैं कि e टू द पावर आई ए टी में होता है कॉस ए टी प्लस आई साइन ए टी, तो इसका हम यूज़ करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाप्लास निकाल लेंगे साइन हाइपरबोलिक ए टी का। तो लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी, तो अगर इसको आप अगर स्टार्टिंग के वीडियोस देखे होंगे तो इसको हमने सॉल्व कराया था, और इसकी वैल्यू आती है कुछ ए अपॉन कहाँ गया, तो ये किसी किसी बुक में यहाँ पे P होता है, किसी किसी में S होता है। तो हम जब स्टार्टिंग में कराए हैं तो वहाँ पे S था, तो चाहे तो हम इसको S स्क्वायर माइनस A स्क्वायर से शुरू करें, और या फिर अगर बुक में P यहाँ पे नोटेशन में है तो हम यहाँ पे P लेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, अगर हम दूसरी बुक में आएगा तो यहाँ पे S भी आ सकता है, तो इससे भ्रमित होना नहीं है, वो कहीं कहीं एफ एस यूज़ होता है लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी के लिए, और किसी किसी बुक में एफ ऑफ पी यूज़ होता है, तो वो दोनों चीज़ें सेम है, कुछ उसमें डिफरेंस नहीं है। सो लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी होता है ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसी को मान सकते हैं एफ ऑफ पी, जैसे लाप्लास ऑफ एफ टी को हम ये मानते हैं। सिंपल है कुछ, यहाँ केवल एस और यहाँ एस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ क्वेश्चन में फिर एस आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लाप्लास लेंगे ई टू द पावर आई ए टी और साइन हाइपरबोलिक ए टी। हम बताएंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ये हमें देता है फ्रॉम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में हमने पढ़ा था, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हमारा क्या था, लाप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी या कुछ भी यहाँ पे एफ टी था ऐसा, तो हमें यहाँ मिलता था एफ ऑफ एस माइनस ए, या यहाँ के केस में पी माइनस ए हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ए था तो पी माइनस ए था, यहाँ आई ए है तो पी माइनस
आइए, ये हम जानते हैं फ्रॉम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से, ये भी पुरानी पहले या दूसरे लेक्चर में बताया गया होगा, तो इसको आप पीछे से देख लें। आप प्लेलिस्ट ढूंढेंगे तो उसमें सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो बिना स्टार्टिंग की वीडियो देखे हुए आपको आगे समझ में नहीं आएगा, तो ज़रूरी है कि आप सारे थ्योरम्स को करते जाइए, क्योंकि लाप्लास का लगभग आखिरी थ्योरम है जो आज हुआ है। इसके पहले, इसके अलावा अब इसमें कोई थ्योरम नहीं बचा है। तो अब इसको अगर हम इस तरीके से लिखेंगे, तो अभी हमने देखा है कि एफ ऑफ पी क्या है, ये था ए अपॉन इतना, तो एफ ऑफ पी माइनस ए क्या हो जाएगा, जहाँ पे पी है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पी माइनस आई ए, पी माइनस आई ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। यहाँ से हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज कर रहे हैं, यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। अब इसको हम थोड़ा सा चाहे तो सॉल्व कर लें, या फिर इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ ई टू द पावर आई टी को क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ ए टी प्लस आई साइन ए टी, अभी जो हमने लिखा था साइन हाइपरबोलिक ए टी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमें मिलेगा ए अपॉन पी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस आई स्क्वायर यानी माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये प्लस आएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, फिर माइनस टू पी आई ए, या हम आई को आगे लिख लेते हैं टू आई पी ए। ठीक है, सिंपल, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी एंड देन माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर, सो पी स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर एंड देन माइनस आई टू पी ए। क्लियर, हम रियल टर्म को एक साथ लिख रहे हैं और इमेजिनरी को एक साथ लिख रहे हैं, आई टू पी ए। क्लियर है, पी स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर एंड देन माइनस टू आई पी ए। ठीक है, अब इसको अगर हम रेशनलाइज कर पाएँ और इसको हम थोड़ा सा ब्रेक कर लें, लाप्लास ऑफ इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ ए टी साइन हाइपरबोलिक ए टी प्लस आई लाप्लास ऑफ साइन ए टी साइन हाइपरबोलिक ए टी। हम क्या कर रहे हैं, सिंपली इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिए और इसके साथ भी कर दिए, ये रियल टर्म हो गया एक तरह से, ये पूरा लाप्लास ऑफ साइन ए टी एंड साइन हाइपरबोलिक ए टी, ये पूरा इमेजिनरी टर्म हो गया। तो इसको हम इधर से अगर हम रेशनलाइज कर पाएँ इसको, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस करके इंटू कर देंगे, यहाँ माइनस है तो इसमें हम इंटू करेंगे इसके प्लस वाले पार्ट से, कॉम्प्लेक्स में रेशनलाइजेशन जानते होंगे। तो अब इसको प्लस से जब करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर प्लस आई टू पी ए, सिंपली यहाँ माइनस आई है तो प्लस आई से। ठीक है, अपॉन में वही चीज़, पी स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर प्लस टू पी ए आई टू पी ए। अब नीचे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा, और ऊपर हमारा ए हो जाएगा, एक तरह से इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ तक समझ लीजिए क्या था, साइन हाइपरबोलिक ए टी का पहले हमने लाप्लास निकाला और वो होता है ये ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ पी। सिंपल, अगर आपको एस फॉर्म में मिला हो तो हम यहाँ एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख लेंगे, इसको एफ एस लिख लेंगे, फिर हमारे क्वेश्चन में यहाँ एस स्क्वायर और यहाँ एस फोर होगा, जहाँ जहाँ पी है तो सिंपली यहाँ पी रिप्लेस हो गया है एस के जगह पे। अब हम दोबारा लाप्लास यूज करेंगे इसको, तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से हम ऐसा लिख सकते हैं, फिर एफ पी जब इतना है तो एफ पी माइनस ए इतना होगा। ठीक है, इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे जब हम स्क्वायर वगैरह, तो इतना आ जाएगा, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, रियल या इमेजिनरी पार्ट को अलग करना बोलते हैं ऐसे, तो ये हमें ये मिलेगा। तो इन दोनों को इंटू करते हैं तो देखिए क्या मिलता है,
तो हमें मिलेगा, इसे मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं तो ए पी स्क्वायर, या ए को कॉमन ही रखते हैं, ए पी स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर, फिर प्लस आई टू पी ए स्क्वायर। सो दिस इज आई, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, ए से हम इसमें मल्टीप्लाई किए हैं। नीचे क्या हो गया, पी स्क्वायर माइनस टू ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये सिंपल क्या है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, सो ये हो जाएगा माइनस टू पी ए का माइनस आई टू पी ए का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या देगा, आई स्क्वायर मीन्स माइनस वन, सो ये प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ए पी स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस फोर पी स्क्वायर ए स्क्वायर। क्लियर, क्लियर है ना? इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर से प्लस हो जाएगा, और ये फोर पी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस आई, यहाँ से सेपरेट हम कर रहे हैं, टू पी ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस फोर पी स्क्वायर ए स्क्वायर। सिंपल, नीचे मल्टीप्लाई ऊपर मल्टीप्लाई, और कुछ नहीं हुआ है। सो दिस लाप्लास टर्म, लाप्लास ऑफ कॉस 80 साइन हाइपरबोलिक टी प्लस आई लाप्लास ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू दिस, सो दिस होल टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म। क्लियर, तो अब अगर हम थोड़ा सा नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा ए पी स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर, इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा पी पावर फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, सो फोर ए स्क्वायर पी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, फोर पी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस आई, और ये हो जाएगा टू पी ए स्क्वायर, और नीचे वही चीज आएगा जो यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, ये टर्म यहाँ पे कट रहा है, तो सिंपली हमें क्या मिल रहा है, पी पावर फोर प्लस फोर ए पावर फोर, तो वही चीज़ हम यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट, पी फोर और फोर ए पावर फोर। ठीक है, तो यहाँ भी एक तरह से इस टर्म को हम अगर हटा दें, क्योंकि ये कट ही जा रहा है, तो हमें क्या मिला, ए पी स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर अपॉन पी फोर प्लस फोर पावर फोर ए टू द पावर फोर। तो ये एक तरह से रियल पार्ट है, और ये कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। सो दिस लाप्लास टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म, सो ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, जब हम रियल को इक्वेट करेंगे तो लाप्लास ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू दिस वन, एंड दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट, ए पी स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर अपॉन पी फोर प्लस फोर ए पावर फोर, एंड देन द सेकेंड वन इज लाप्लास ऑफ साइन 80 इंटू साइन ऑफ एच हाइपरबोलिक 80 इज इक्वल टू टू पी ए स्क्वायर अपॉन पी फोर प्लस फोर ए पावर फोर। सो ये क्वेश्चन देखने में काफ़ी टफ था, लेकिन सिर्फ कैलकुलेशन था, बाकी बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स इसमें नहीं था। तो हमें यूज़ करना पड़ा एक लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक टी, और दूसरी चीज़ थी फॉर शिफ्टिंग थ्योरम। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप शुरुआती जितनी भी वीडियो हैं वो सभी देखते आइए क्रम से, तो गारंटी है कि सारा चीज़ समझ में आएगा। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो नेक्स्ट वीडियो में जहाँ तक इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में इतना बहुत है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।